गुड इवनिंग सारे भाई। गुड इवनिंग, की हाल चाल जी? वधिया सारे, एकदम तंदुरुस्त हो? फैमिली सारी बढ़िया है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया। सर आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आशीर्वाद है आपके पेरेंट्स का, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब मैं फटाफट से अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ, और मैं अनाउंसमेंट करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रेगुलर बैचेस मेरे सुबह से चल रहे थे। अब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी उनके लिए है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी है। तो फटाफट से मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ गया कि आज हमारा शाम को स्टूडेंट दरबार का सेशन है, डाउट सेशन है। और वो डाउट सेशन जो होगा ना, शाम को 7 बजे नहीं होगा, आज थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि अभी मुझे रेगुलर बैच की क्लास रिकॉर्ड करनी है। तो आज हमारा सेशन होगा 8 बजे, और उसकी मीटिंग आईडी जो होगी मैं थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सारे बच्चे मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे ऐड हैं, जो ऐड नहीं है प्लीज एक बार वहां पे ऐड हो जाना। सीए विवेक गाबा के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक होगा उसमें जितने बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं उन सबके लाइव डाउट्स आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हों चाहे वो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आ रहा, मैंने कल भी कहा था जी, क्योंकि 1000-1200 बच्चा लाइव होता है, मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, वो सारा का सारा डाउट सेशन बेकार हो जाएगा। मतलब मैं चाहता हूं मैं जितने बच्चों के डाउट्स लूं ना वो बहुत बढ़िया से डाउट्स लूं, और क्या पता आप सबके वो सेम डाउट्स हों जो वो बच्चे पूछे। ठीक है जी, तो वो डाउट सेशन मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूंगा, आपने वो जरूर सुनना है, क्या पता आपके भी सेम डाउट्स हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं जी। और दूसरा एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है जी, कल मैं शाम को शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, कल मैं शाम को शायद आपका स्टूडेंट दरबार का सेशन नहीं ले पाऊंगा। अब एक तो ना ऐसे गुस्सा मत करो, मैं क्यों नहीं ले पाऊंगा पहले सुन लो, क्योंकि कल मेरा वैक्सीन लगवाने का शेड्यूल है, तो कल मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है, और मैं तो आपको भी कहूंगा जितना जल्दी हो सके सर वैक्सीन लगवा लो, और कोई भी वैक्सीन मिले वो लगवा लो जी। ये कई नालायक बच्चे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगाएं या सर एक स्पूतनिक आ रही है वो लगवा लें, बस वेट करते रहो सर, आने वाले टाइम में तो और भी कई नई नई वैक्सीन आएंगी, ऐसा करो 3-4 महीने वेट कर लो नालायक। सर जो वैक्सीन मिल रही है ना लगवा लो, सारी वैक्सीन बढ़िया है, कुछ इम्यूनिटी तो हमारे अंदर भी होगी, कुछ अपना ध्यान तो हम खुद रख सकते हैं ना, और कुछ वैक्सीन हमें सेफ कर देगी, तो वैक्सीन ही सेफ कर सकती है, कोई वैक्सीन लगवा लो, जो शेड्यूल मिल रहा है ना वैक्सीन आप जरूर लगाओ जी। तो मैं पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा जो 18 प्लस हैं आप जरूर वैक्सीन लगवाओ, जहां शेड्यूल मिल रहा है जैसे मिल रहा है आप लगवाओ, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोई कोवैक्सीन हो चाहे वो कोई भी वैक्सीन अब इंडिया में नहीं आ रही है, मतलब जब जब शेड्यूल मिलेगा आपने वैक्सीन लगवानी है, मेरी बात मानोगे? पक्का पक्का। अब मैं भी कल लगवाने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल मैं शायद स्टूडेंट दरबार ना पे ले पाऊँ, बट कोशिश पूरी करूंगा, अगर सही टाइम पर आ गया और एकदम फिट रहा आपकी ब्लेसिंग से तो जरूर मैं शाम को स्टूडेंट दरबार का सेशन लूंगा। ठीक है, चलो फिर आज मिलेंगे, आज शाम को 8 बजे ही, आज शाम को 8 बजे गूगल मीट के ऊपर लाइव मिलेंगे। मीटिंग आईडी जो होगी थोड़ी देर के अंदर मैं भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आपने देख लेनी है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और बस लव यू सो मच जी, बहुत सारा प्यार आपका, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, बाय बाय।